मुंह में 42 दांत होते हैं। एक भेड़िए का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि वो अपने शिकार की हड्डी तक चबा जाने की ताकत रखता है। एक भेड़िया जो 10 से 15 साल तक जिंदा रहता है, वो न सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, बल्कि बेहतरीन तैराक भी होता है। भेड़ियों की सूंघने की क्षमता किसी जासूसी कुत्ते से भी ज्यादा होती है। वो अपने शिकार को 1.5 किलोमीटर दूर से सूंघ लेते हैं। कुत्ते की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है भेड़िया, जिसे एक दिन में 1.5 से 1.75 किलो मांस खाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन कई बार भेड़िया एक दिन में ही 4.5 किलो तक मांस खा जाता है। अब समझिए, भेड़िये हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, इसलिए वो बड़े से बड़े जानवर पर अटैक करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन यूपी के बहराइच में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ न सिर्फ भेड़िया अकेले अटैक कर रहा है, बल्कि वो मासूम बच्चों को तलाश रहा है ताकि शिकार करने में परेशानी ना हो। खतरनाक बात यह है कि वन विभाग की टीम को भेड़िए के जो पैर के निशान मिले हैं, उसके मुताबिक एक भेड़िया ठीक से नहीं चल पा रहा है, यानी उसके एक पैर में कोई दिक्कत है और इसलिए वो जंगली जानवरों की बजाय घर के आंगन में सो रहे छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और दोपहर में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। भेड़िए का इस इलाके में शिकार करना इसलिए भी आसान है क्योंकि ये काफी गरीब इलाका है। जिन घरों में हमले हुए, उन घरों में या तो दरवाजे नहीं हैं, या फिर जहां एक आध जगह है तो वहां भी लोग आंगन में सो रहे हैं और उनके साथ बच्चे भी सो रहे हैं। ये भेड़िए दबे पांव आकर घर के पास ही कहीं छिप कर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि माँ बच्चे के पास से हटे और ये शिकार करे। भेड़िए के जिस स्वभाव का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है, मौजूदा हालात में वो स्वभाव ही बेहद घातक हो चुका है। आप समझिए कैसे। दरअसल भेड़िए को सामाजिक प्राणी कहा जाता है क्योंकि वो अकेले रहना पसंद नहीं करता। भेड़िए का झुंड 2 से 30 तक हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि भेड़िए के झुंड में पूरे जंगल के भेड़िए होते हैं। दरअसल एक झुंड में भेड़ियों का एक परिवार होता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। कई बार झुंड में 2 पीढ़ियों के बच्चे होते हैं। अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। यही वजह है कि शेर जैसे खूंखार जानवर भी भेड़िए का शिकार करने से बचते हैं। भेड़ियों के झुंड में अगर किसी को शिकार का आसान जरिया मिल जाता है तो दूसरे सभी भेड़िए उसी तरीके पर चलने लगते हैं, और बहराइच में भी यही हो रहा है। वन विभाग के मुताबिक वन क्षेत्र में बाढ़ आई है, भेड़ियों को भोजन की कमी महसूस हो रही है और इसलिए वो इंसानों की बस्ती की ओर लगातार रुख कर रहे हैं। इस टाइप के इंसिडेंसेस बड़े स्ट्रे इंसिडेंसेस होते हैं, वन ऑफ इंसिडेंस है, और जब ये होते हैं तो आइडियली इट मींस दैट द एनिमल is incapable of hunting its natural food chain में जो उसका natural hunting pattern है, वो छोड़ के दूसरा hunting pattern कर रहा है। लेकिन ये भेड़िये जितने ताकतवर होते हैं, उतने ही चालाक होते हैं। ये हालात देखकर अपनी रणनीति बदल लेते हैं। और यही वजह है कि प्रशासन पूरी ताकत लगाने के बाद भी भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रहा। हम ये लेके आए हैं कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। बहराइच के गांव से आई ताजा तस्वीर देखिए। भारी पुलिस बल तैनात है। वन विभाग की टीम खेतों के बीच ड्रोन के जरिए भेड़ियों का सुराग तलाश रही है। 20 टीमें गठित की गई है।
जाल के साथ जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा का इस्तेमाल करके भेड़िए की तलाश की जा रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.